वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आटे का लिट्टी बनाने वाली हूँ जो आप सभी के साथ शेयर करूँगी। मैंने गेहूँ का आटा लिया है 2 कप। इसमें 1 चुटकी नमक रखेंगे, 2 चम्मच रिफाइन ऑयल रखेंगे, 1/3 मिलाकर इस तरह का करके सारे को मिला लेंगे। पानी ऐड कर इसको अच्छी तरह से आटा गूंथ लेंगे। आटा यहाँ पर तैयार हो चुका है। यहाँ पर 100 ग्राम चना का सत्तू लिए हैं। इसमें लहसुन रखेंगे, बारीक कटे हुए लहसुन रखेंगे, हरा मिर्च रखेंगे, अजवाइन रखेंगे, इसके बाद आम के अचार का मसाला रख सकते हैं। नमक स्वाद के अनुसार रखेंगे, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसके बाद सरसों का ऑयल 2 चम्मच रखेंगे। इसमें नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं रखा है यहाँ पर। अब इसे बड़े प्लेट में रखकर इसी तरह मिला लेंगे। यहाँ पर मिक्स अच्छी तरह हो चुका है। आटा भी हमने गूंथ कर रख लिया। अब इसका तवा बनाकर लिट्टी बनाएंगे। तब तक के लिए पानी को यहाँ पर 1 kg पानी कम से कम इसको उबाल आने तक रखते हैं। उबालने लेंगे इस तरह लज्जा बनाकर। यहाँ पर सारे को भरकर मैंने तैयार कर लिए हैं। पानी में उबाल आ चुके हैं। अब इसमें सभी को एक एक करके डाल देंगे। सारे को यहाँ पर रख दिए हैं। अब इसे 5 मिनट के लिए कवर करके उबाल लेंगे। इसे बीच बीच में से करते रहेंगे। कितनी फूल गई है, कितनी अच्छी लग रही है। 5 मिनट इसको तैयार हो चुका है। गैस बंद कर सकते हैं। इसे बर्तन में इसको निकाल लेंगे। दस मिनट हो चुका है। कढ़ाई में
गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं रख दिया इसको, डाल नहीं सकते इसको डालेंगे। सभी को मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। अब हो चुका है, इसे निकाल लेंगे। सारा को इसे निकालने के रख लेंगे। इसे भी इसी प्रोसेस में निकाल लेंगे। आपको ये पसंद है तो जरूर ट्राई करें और वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करके बताएं कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।